हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अंकितास किचन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अ वेरी क्विक एंड प्रॉपर लंच विद इन 5 मिनट। ओ माय गॉड, विद इन 5 मिनट! यस, लुक एट दिस प्लेट। चावल, दाल और आलू टमाटर का भरता तैयार है एंड विद इन 5 मिनट। और एक ही प्रेशर कुकर में मैंने इन तीनों चीज़ों को बनाया है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता इतना कि सारी चीज़ों को अलग अलग हम बनाएं और प्रॉपर लंच तैयार करें अपने लिए। और जो लोग बैचलर होते हैं उन्हें अलग अलग बनाना, चावल अलग से, दाल अलग से, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके लिए एक वीडियो बनाऊं। और नॉर्मली मैं घर पे अकेले रहती हूँ तो अपने लिए ऐसे ही लंच बनाती हूँ, तो सोचा आपसे भी ये तरीका शेयर करती हूँ। और ये बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाता है इस। और आप देख सकते हैं कि चावल काफ़ी अलग अलग से खिले खिले से हैं, और दाल में मैंने टमाटर और सारी चीज़ें डाली हैं। और इसे तड़का देने का ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने भरता बनाया है जो कि काफ़ी फ्रेश है और टेस्टी भी बहुत है ये कि। और आप यकीन नहीं करेंगे कि चावल को मैंने ग्लास में बनाया है। जी हाँ, मैंने ग्लास में बनाया है क्योंकि मेरे लिए चावल ज़्यादा चाहिए नहीं होता है, थोड़ी सी क्वांटिटी होती है, तो मैं ग्लास में बनाती हूँ। आपको मैंने ये एक और तरीका बताया है जिससे आप टिफ़िन बॉक्स जो स्टील का आता है लंच बॉक्स, उसमें भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे चावल और दाल एक में मिक्स नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बिना लेट किए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चावल दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है तूर दाल यानी अरहर की दाल। आप चाहे तो अपने पसंद की कोई भी दाल ले सकते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो दाल आप यूज़ करते हैं वो पकने में कितना टाइम लेता है। नॉर्मली दाल चावल से ज़्यादा टाइम लेता है पकने के लिए, और हम यहाँ पे दोनों चीज़ एक साथ पकाएंगे तो कहीं चावल ओवर कुक ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपका दाल ज़्यादा टाइम लेता है पकने में तो आप इसे आधे घंटे पहले गर्म पानी में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके सोक कर दें, उसके बाद इसे पकाएं। ये बहुत आसानी से पक जाएगा। मैं जो दाल यूज़ करती हूँ वो बहुत आसानी से पक जाता है, इसलिए मुझे सोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग अच्छे से धो के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। सबसे पहले इसमें मैं जो धोया हुआ दाल है उसको डाल देती हूँ, और इसी कटोरी से मैं 2 कटोरी पानी ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी पानी ऐड कर दिया है क्योंकि हमें इसमें टमाटर और आलू को भी बॉयल करना है जिसमें पानी लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पानी ऐड किया है। यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून जितना सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिए। 1/4 टीस्पून जितना टर्मरिक ऐड किया। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे फ्रेश कोरिएंडर ली, करी ली, और यहाँ पे स्मॉल साइज टोमेटो लिया था जिसे फाइनली चॉप कर लिया है। 1 हरी मिर्च को बीच से काट के ले लिया है। इन सब सारी चीज़ों को मैंने इसमें ऐड किया ताकि मुझे अलग से तड़का ना लगाना पड़े, और इस तरह से दाल बनाना बहुत टेस्टी भी लगता है। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है जिसे भरता बनाने में यूज़ करेंगे, और 1 आलू लिया है मैंने यहाँ पे जिसे बीच से काट लिया है, बड़े साइज़ में है ताकि पकने में आसानी हो। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं ग्लास में चावल बना के दिखाऊंगी, रेगुलर यूज़ के लिए मैं ग्लास में ही चावल बनाती हूँ क्योंकि मेरे लिए चावल की क्वांटिटी बहुत कम। आप इस तरह का लंच बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर क्वांटिटी चावल की ज़्यादा है तो, इससे चावल और दाल सेपरेट रहेगा, एक में मिक्स नहीं होगा। यहाँ पे मेरे चावल की क्वांटिटी बहुत कम है और नॉर्मली मैं रेगुलर यूज़ के लिए ग्लास में ही चावल बनाती हूँ, इसलिए मैं ग्लास में चावल बना के दिखा रही हूँ आपको। सबसे पहले मैं चावल डाल लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ, बस बहुत ही ज़रा सा। चावल के थोड़ा सा ऊपर पानी आया है, और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है नहीं तो चावल गीला हो जाएगा। अगर आप बिगनर हैं, आपको कोई आइडिया नहीं कि चावल में पानी कितना डालें, तो पानी डालने के बाद आप देखें यहाँ तक फिंगर को डिप करें, अगर यहाँ तक पानी आ रहा है तो ये मेज़रमेंट परफेक्ट है। अब मैं इन सब सारी चीज़ों को और ग्लास को थोड़ा सा मैनेज कर लें आप ताकि वो हिले ना, अच्छे से मैंने रख दी है। इसे कवर करेंगे, गैस ऑन करके मैंने इसे लो फ्लेम पे रखा है। सारी चीज़ों को एक साथ पकाना है इसलिए फ्लेम को हाई ना करें, लो फ्लेम पे इसे 3 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमारा खाना पका या नहीं। 3 मिनट हो गया है और ये अच्छे से पक गया है, एक बार चेक करते हैं इसे। और ये देखिए आप, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पक गई हैं। अब मैं इसे बाहर निकाल के आपको दिखाती हूँ, चावल कितने अच्छे से होके तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे दाल भी काफ़ी अच्छे से पक गया है, और आलू भी काफ़ी अच्छे से हो गया है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ, और अब ये देखिए दाल कितने अच्छे से गल के तैयार है, और ये देखने में भी बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने इसमें टमाटर
धनिया पत्ती और सारी चीज़ें ऐड की थी, जिसे इसे तड़का देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए आलू कितने अच्छे से हो गए। और ये टमाटर का हम आसानी से पील ऑफ कर सकते हैं और इसको ऐड कर देंगे इसमें। इसको अच्छे, इसका भी मैं भरता तैयार करके दिखाती हूँ, जिसे बिहार और यूपी में चोखा बोला जाता है। आपने लिट्टी चोखा तो सुना ही होगा। ये अच्छे से मैंने मैश कर लिया है और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे स्मॉल साइज अनियन लिया था, उसका भी मैंने हाफ लेके फाइनली चॉप कर लिया। आप अगर कच्चा प्याज नहीं पसंद करते तो स्किप करिएगा, और हरी मिर्च और थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर लीव ऐड किया और सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मस्टर्ड अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, अब मैं इसे प्लेटिंग करके दिखाती हूँ और फिर आपको लगेगा कि अरे वाह, प्रॉपर लंच विद इन 5 मिनट। ये देखें, एक प्रॉपर लंच विद इन 5 मिनट तैयार है और जिसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी, और ये काफ़ी टेस्टी है और काफ़ी हेल्दी भी है, क्योंकि दाल है, रिच ऑफ फाइबर एंड प्रोटीन है। और इसमें मैं 1/2 टीस्पून जितना देसी घी भी ऐड कर देती हूँ, और आप अपने मील में देसी घी भी ऐड करें। और ये देखिए, एक अच्छी सी दाल, एक अलग अलग सा चावल। राइस लवर है वो इसे एज अ डिनर भी प्रेफर कर सकते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और अपना फीडबैक देना ना भूलें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।